पता कुछ बोला नहीं, हम लोग वहाँ से आ गए, वहाँ की गांधीनगर से आ गए, हम सिंडिकेट ऑफिस की बात करें कि यार सिंडिकेट में क्या हुआ है, जो चार्ज कराते वहाँ पे सिंडिकेट से कोई आर्डर हुआ नहीं कि चार्ज दे दें उनको, वो ठाकुर जी और एकदम आए, फिर मीटिंग हुई यहाँ सिंडिकेट में, हम लोग बैठे हुए थे काफ़ी देर से, डेढ़ एक घंटे से बैठे हुए थे हम लोग, और ये लोग सब लोग आए और एकदम बातचीत हुई तो गोली चली गई। ये हेमू ठाकुर गोली चिंटू ने चलाई थी? हाँ, चिंटू ने चलाई। और साथ में कौन था उसके? साथ में हेमू ठाकुर थे और उनके साथ में AK सिंह जी आए थे और पिंटू भाटिया जी आए थे जो वहाँ। ये तो मतलब मीटिंग में थे, ये तो मीटिंग वाले सदस्य हो गए सब। मीटिंग में कौन कौन थे? साथ में आए थे सब लोग, मीटिंग सबकी चल रही थी? नहीं, ये लोग सब हम लोग बैठे थे, मैं, मोहन ठाकुर, मुकेश शिवरे जी, हरप्रीत चुग से और हमारे यहाँ के बबलू तोमर जी और मोहित आहूजा, हम लोग बैठे हुए थे और इनका वेट कर रहे थे हम पिंटू भाटिया जी का कि आए मीटिंग में। तो मीटिंग में वो पूरी टीम मतलब सब गुंडे आ गए, सतीश भाऊ आ गए वहाँ पे और हेमू ठाकुर के बाद में हेमू ठाकुर, चिंटू ठाकुर, AK सिंह, पिंटू भाटिया, सतीश भाऊ और ऐसा मीटिंग मतलब सिंडिकेट की थी? हाँ, सिंडिकेट की थी कुल मिला के, मतलब जो सिंडिकेट की मीटिंग चल रही थी, सिंडिकेट की मीटिंग में झगड़ा किस कारण हुआ गांधीनगर की दुकान के लिए? हाँ, वो मोहन ठाकुर जी के ऊपर आए थे अटैक करने। हाँ, और फिर पिस्टल किसके हाथ में थी? चिंटू ठाकुर के हाथ। चिंटू, गोली भी उसी ने चलाई? उसी ने चलाई गोली। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी? यहाँ से गोली लगी है, मेरा पूरा शरीर मतलब काम नहीं कर रहा है। यहाँ लगी है ना? हाँ, नीचे का पूरा काम नहीं कर रहा है। ठीक, और वहाँ पर और कौन था उस टाइम?